YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के तमाम डीएसपी व इंस्पेक्टर के साथ डीआईजी विपुल शुक्ला ने समीक्षात्मक बैठक की। बैठक के दौरान विभिन्न कांडों की समीक्षा, लंबित कांडों व गिरफ्तारियों से संबंधित अन्य जानकारियां हासिल की। साथ ही साथ तमाम डीएसपी व इंस्पेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। आज जो हमारे यहाँ पे पलामू के डीएसपी और इंस्पेक्टर की जो बैठक हुई, उसको हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए बुलाया था, जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय के कुछ आदेश थे, कुछ कांड का डिस्पोजल 31 तक करना था उसका था, फिर कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं सेक्शन 174A के तहत भी कुछ कार्रवाई करने का की बात थी, और उनके पास उनके जो कार्य हो रहे हैं डीएसपी इंस्पेक्टर्स के, वो कितनी उनके पास डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग लंबित है, कितने कहाँ का मालखाना का प्रभार नहीं है, कौन से केसेस हैं में जो दिक्कत है, इन सभी के लिए आज हम लोगों ने पलामू प्रमंडल के सभी इंस्पेक्टर डीएसपी को बुलाया था। सबसे बातचीत हुई और सबको जो आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं इस संबंध में कि वो कहाँ सुधार कर सकते हैं, ऐसी स्थिति ठीक है और हम लोग उसको बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आज एक मीटिंग में अभी हम लोगों ने निर्देश दिया है।